अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था, और इस वीडियो में हम आगे एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन से आगे चलेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्ड को ओपन करते हैं, पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। वर्ड का आपको मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी थी, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं। सही, सबसे पहले हम होम टैब को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उनको देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक, होम टैब के अंदर जो हमारे पास रिबन है उसके अंदर जो ग्रुप्स मौजूद हैं वो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। ठीक है, सबसे जो बेसिक इसके अंदर ग्रुप है वो फॉन्ट ग्रुप है। तो सबसे पहले हम फॉन्ट ग्रुप को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ की तरफ आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए आप लोगों को जो है वो चाहिए होगा, पैराग्राफ चाहिए होगा या कुछ भी टेक्स्ट चाहिए होगा। ठीक, तो वह आप कहीं से कॉपी कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि आप कहीं से भी कॉपी कर लें, उसको कॉपी पेस्ट कर लें। फिर दूसरी चीज़ ये कि एमएस वर्ड जो है वो हमें एक फंक्शन देता है जिसकी वजह से हम पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू, अगर हम ये लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास एक पैराग्राफ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। कितने पैराग्राफ क्रिएट हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 5 पैराग्राफ्स हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है। ठीक, अगर मैं इसकी जगह पे ऐसे लिखूँ, और मैंने यहाँ लिखा 1, 1, सही, 1, 1 मीन्स 1 पैराग्राफ, और उसके अंदर कितने सेंटेंसेस हो, 1 सेंटेंस हो। ठीक, ये देखें, ये आ गया आपके पास, ये 1 पैराग्राफ है, उसके अंदर सेंटेंसेस कितने आए, 1 आए। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, इसके अंदर मैं लिखूँ 2, 3। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ आएंगे और हर पैराग्राफ के अंदर 3 सेंटेंसेस। तो ये कितना आ गए, ये 2 पैराग्राफ्स आ गए। ये आपके पास 2 पैराग्राफ्स आ गए और हर पैराग्राफ के अंदर 3 सेंटेंसेस हैं। ये 1, ये वाला 2 एंड ये वाला 3। ठीक है, हर पैराग्राफ के अंदर कितने 3 सेंटेंसेस आ गए। सही, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखूँ 10 पैराग्राफ्स आ जाएंगे और हर पैराग्राफ के अंदर 5 सेंटेंसेस आ जाएंगे। ठीक, अगर मैं लिखूँ 5, 5 तो हमारे पास 5 पैराग्राफ आएंगे और हर पैराग्राफ के अंदर 5 सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, 5 पैराग्राफ आ गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सही, और हर पैराग्राफ के अंदर 5 सेंटेंसेस हैं। सही, डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं। सही, अब इस पे हमें क्या करनी है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले हम जो है, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपको किसी भी चीज़ पे फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है तो आपने माउस पे क्लिक करना है, उसको आपने ड्रैग करना है। ठीक है, ऐसे क्लिक करके ये ड्रैग किया आपने। ठीक है, क्लिक एंड देन ड्रैग। ठीक, अगर आपको पूरे को सेलेक्ट करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्लिक करके और उसको ड्रैग करें, और आप इसको कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए आपने अगर प्रेस किया तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा जितना भी आपका कंटेंट होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको मैं एक वो दे देती हूँ, वीडियो के बारे में लिखा तो मैं इसको वीडियो ही टाइटल दे देती हूँ। ठीक है, वीडियो, सही, इसको मैंने वीडियो लिख दिया। अब इसके ऊपर हम अपनी फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। सही, सबसे पहली चीज़ ये है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल आपने अगर चेंज करना है तो आप कैसे देंगे, ये तो आपको नज़र ही नहीं आएगा फिर।
सेंटर में ले आते हैं इसको से। फॉन्ट स्टाइल आपने इसको देना है, तो आप कैसे लेंगे? सही, ऐसे। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी फॉन्ट स्टाइल इसको दे सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको वो आप इसको दे दें। सही है। मैंने ये दे दिया, सही। अब इसका आपको फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से भी बढ़ेगा और यहाँ से भी बढ़ेगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, एक फॉन्ट डिक्रीज़ का है और ये फॉन्ट इंक्रीज़ का है। ये अगर आप प्रेस करेंगे तो फॉन्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप ये वाला प्रेस करेंगे तो फॉन्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। देखेंगे, मैं प्रेस कर रही हूँ तो फॉन्ट डिक्रीज़ हो रहा है, सही। ये वन वन से जो है वो छोटा नहीं होगा फॉन्ट, ठीक है। वन जो है वो मिनिमम साइज़ होगा फॉन्ट का, वन से ज़्यादा फॉन्ट साइज़ जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो सकता, ठीक। और मैक्सिमम जो है वो आप कितना भी कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे जो आपको गिवन होता है वो 72 गिवन होता है, ठीक है। 72 यहाँ गिवन है, लेकिन आप जो है वो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। अब लाइक मैं कर दूँ 120, ठीक है, 120 मैंने किया, ये बड़ा हो गया, ठीक। इसका जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 1968 मैक्सिमम नहीं होता, 1638 मैक्सिमम होता है, सही। 1638 सही। पेजेस पे चला गया, ये 6 पेजेस पे ये हेडिंग और वो चला गया, सही। तो ये किसी काम का नहीं। अगर मैं यहाँ लिखूँगी 9 1639, ठीक है, मैसेज दे रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638, ठीक है। जो फॉन्ट साइज है वो मिनिमम कितना होगा, 1 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, 1638 होगा। इससे ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं हो सकता फॉन्ट साइज़, और 1 से ज़्यादा मिनिमम नहीं हो सकता। अगर 1 से शॉर्ट हम लेंगे 0.5 0.1, तो फिर ये हमें इसी तरह का मैसेज देगा, एरर मैसेज देगा, ठीक है। तो ये इसका फॉन्ट साइज़ हो गया। फॉन्ट साइज़ जो है वो इसको नॉर्मल कर देते हैं, 24 पे आ जाते हैं, ठीक। इस ये जो ये आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, इससे भी आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह, देखिए 150 70 90 20, इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज़ करना है तो आप इससे कर सकते हैं, सही। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दबाएंगे, और डिक्रीज के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन दबाएंगे, ठीक है। लेस देन साइन प्रेस करेंगे, ठीक है। ये मैं लेस देन साइन प्रेस कर रही हूँ, सॉरी, ये मैं लेस देन साइन प्रेस कर रही हूँ तो ये शॉर्ट हो रहा है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन वाला साइन जो होता है ना वो बटन प्रेस करूँगी तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, सही। तो आपके पास फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के 3 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर आपके पास फॉन्ट जो टाइप है, फॉन्ट का स्टाइल जो है उसके बराबर में जो आ रहा है, ये क्या है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप राइट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप 72 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो आपको अगर 72 से ज़्यादा आपने अगर फॉन्ट साइज़ लेना है तो आप यहाँ टाइप कर लें, ठीक। उसके अलावा आप ये जो दो आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको प्रेस करेंगे तो एक से डिक्रीज़ होगा और एक से इंक्रीज़ होगा, ठीक। ये जो ए है, ए के ऊपर जो एरो का साइन ऊपर की तरफ जा रहा है, छोटा साइन बिल्कुल, ठीक, उससे इंक्रीज़ होगा आपका ये साइज़, और इस वाले से डिक्रीज़ होगा साइज़, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके पास है बोल्ड। अगर आपको किसी भी फॉन्ट को थोड़ा मतलब हाँ वो करना है, मोटा करके दिखाना है, ठीक है, बोल्ड करना है उसको, तो आप ये दबाएंगे, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक। इसमें इतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा है, इसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक, ये बोल्ड हो गया। अब डिफरेंस देखें आप, ये थोड़ा जो है वो ऐसा लग रहा है मार्कर से लिखा हुआ है, और ये पॉइंटर से लिखा हुआ है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस इसके अंदर, ठीक है। ये बोल्ड हो गया। अगर आपने इटैलिक करना है, मतलब थोड़ा टेढ़ा दिखाना है अपने टेक्स्ट को, तो आप आई वाला ये प्रेस करना है, ठीक है। बोल्ड करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल बी है,
और इटैलिक के लिए जो आपके पास शॉर्टकट की है वो कंट्रोल आई है, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ बोल्ड और इटैलिक, ठीक, तो मैं कंट्रोल बी से इसको बोल्ड करूँगी और कंट्रोल आई से मैं इसको इटैलिक करूँगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करके दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करा, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल यू होगा, कंट्रोल यू से आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी, और आप जब अगेन प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये अंडरलाइन आ गया। ये अंडरलाइन के मज़ीद ऑप्शंस हैं, ये जो इसके बराबर में जो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा एरो, इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसके इसमें मज़ीद आपके पास ऑप्शंस हैं। ये आपके पास सिंगल अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है, ये डबल अंडरलाइन आ जाएगी इससे, और इससे थोड़ी सी मोटी अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है, ये डॉटेड अंडरलाइन आ जाएगी आपके पास ऐसे, सही, और ये आपके पास आ जाएगी डैश्ड अंडरलाइन, ठीक है, ऐसी हेडिंग्स वगैरह में हम लोग डालते हैं ना डैश 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 करके वाली हेडिंग, वो वाली अंडरलाइन आ जाएगी आपके पास, ठीक। ये क्या है, ये डॉट डैश अंडरलाइन है, डॉट डैश अंडरलाइन मतलब एक डैश डाला हुआ है फिर डॉट फिर डैश फिर डॉट फिर डैश फिर डॉट, तो ये डॉट डैश अंडरलाइन है, ठीक है। अच्छा ये कौन सी है, ये डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, डॉट डॉट डैश मतलब पहले दो डॉट, पहले डैश है फिर डॉट, दो डॉट है फिर डैश है फिर दो डॉट है, तो डॉट डॉट डैश, ये देखें पहले डैश फिर दो डॉट फिर डैश फिर दो डॉट फिर डैश फिर दो डॉट, इस तरीके से, तो ये क्या है डॉट डॉट डैश अंडरलाइन। और उससे पहले वाली क्या थी, डॉट डैश अंडरलाइन, और उससे पहले वाली डैश अंडरलाइन, और उससे पहले वाली डॉटेड अंडरलाइन, ठीक है, ये डॉटेड थी, ये डैश थी, ये डॉट डैश थी, और ये डॉट डॉट डैश थी, ठीक है। ये कौन सी है, ये वेव अंडरलाइन है आपके पास, इसमें वेव बन जाएंगी अंडरलाइन पे, ठीक है। अच्छा जी कोई भी नहीं चाहिए तो आप नन कर दें। मोर अंडरलाइंस में जाएंगे आप, मोर अंडरलाइंस को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन, बाकी तो सारे आपके पास बाहर हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और है वर्ड्स ओनली का, ठीक है, वर्ड्स ओनली का। अगर यहाँ पे मेरे पास दो वर्ड दिए, मैं फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वीडियो एंड ऑडियो, ये क्या होगा, हर वर्ड के नीचे सिर्फ अंडरलाइन करेगा, बाकी स्पेस को काउंट नहीं करेगा, ठीक है, स्पेस के नीचे अंडरलाइन नहीं करेगा, सिर्फ वर्ड को जो है वो अंडरलाइन कर देगा, ठीक। तो ये वर्ड्स ओनली जो है वो अंडरलाइन है, सही। ये कहाँ पर जाकर आपको मिला, मोर अंडरलाइंस में गए और यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल जो आपके पास ऑप्शन है इसको आपने क्लिक किया, और इसमें मज़ीद आपके पास फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें आपके पास देखें ये डबल वेव भी है, डबल वेव को अगर आप सेलेक्ट कर दें तो आपके पास, सॉरी सेलेक्ट तो किया ही था, सही, मोर अंडरलाइंस, मैंने पहले वर्ड्स ओनली करा पता, ठीक है, अब मैं इसको अगर ये वाला कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल आ जाएंगे, ठीक है, डबल वेव लाइन आ गई मेरे पास, सही। यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन है, और मज़ीद आपके पास ऑप्शन जो हैं वो मोर अंडरलाइंस में जाकर हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मेरे ख्याल दो ऑप्शन बढ़ेंगे, एक जो है तीन ऑप्शन बढ़ेंगे, एक वर्ड ओनली वाला बढ़ेगा, एक जो है वो थोड़ी सी आपको अगर मोटी वेव चाहिए, ठीक है, तो मतलब बोल्ड भी हो वेव, वेव आपकी बोल्ड भी हो और वेव भी हो, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ से आएगा आपके पास, ठीक है। और अगर मैं वर्ड्स ओनली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ तो वो मेरे पास यहाँ से आ जाए, ठीक है, वर्ड्स ओनली मैंने किया तो इस तरीके से शो हो रहा है, सिर्फ वर्ड्स के ऊपर, वर्ड्स के नीचे जो है वो सिर्फ ये अंडरलाइंस आ जाएंगी, बाकी नहीं आएंगी, ठीक है। चलें जी, ये हो गया आपका अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन को मैं हटा देती हूँ अभी, सही, ये मैंने हटा दिया। अभी आपके पास ही एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है, जैसे आपको कोई चीज़ कट करनी होती है, आप लोग जब कुछ लिखते हैं कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको कट करके आगे से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे होता है, इसके अंदर वर्ड के अंदर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है, अगर हमें किसी भी चीज़ के बीच में लाइन करनी है, मतलब उसको हाईलाइट करना है कि ये चीज़ रॉन्ग है ये चीज़ गलत है, तो
तो इसको हम जो है वो स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए शो कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने ये अगर मुझे किसी ने कोई डॉक्यूमेंट दिया उसको मैंने चेक करके उसको वापस रिटर्न करना है, और अगर उसमें कोई चीज़ कोई मिस्टेक है तो मैं उसको इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए जो है मैं उसको कर दूंगी कि भाई ये चीज़ आपकी गलत थी, इसको आप सही कर लें। ठीक, तो इसमें क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू में एक जो है वो लाइन क्रिएट हो जाती है पूरे आपके टेक्स्ट के बीच में से। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास ये पूरा जो है वो सेंटेंस गलत है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक, तो मैं इसमें से क्या करूँ, इसमें से स्ट्राइक थ्रू कर दूँगी इसको, तो एक लाइन जो है वो पास हो जाएगी इसमें से, तो क्या बताएगी कि भाई ये पूरा जो है सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ठीक, स्ट्राइक डबल थ्रू एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, जिस जो जो है वो जिसमें क्या होता है कि जैसे इसमें अभी एक लाइन पास हो रही है ना, तो स्ट्राइक डबल थ्रू में जो है वो आपके पास डबल लाइन पास होगी। ठीक, वो कैसे होगा, ये जो फॉन्ट का आपके पास पूरा ये आ रहा है ग्रुप, इसमें जो है राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, अगर आप उसको एक्सप्लोर कर दें, वैसे अगर आपको उसको उससे शॉर्टकट की से लाना है तो कंट्रोल डी से आएगा, और अगर माउस पॉइंटर से लाएंगे तो आप ये छोटा सा एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक, ये डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा डबल स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है और ये डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर लूँ पहले, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये एक ऑप्शन आ रहा है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब मुझे चाहिए डबल स्ट्राइक थ्रू, तो मैंने ओके करा तो मेरे पास क्या आ गई, इस जो ये जो टेक्स्ट है पूरा इसमें से कितनी टू लाइन्स जो है वो पास हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगी तो ये सिंगल रह जाएगा, और मैं अगर फिर एक और दफ़ा क्लिक करूँगी तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली भी है, अगर इसमें इसको मैं क्लिक करूँगी एक दफ़ा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर डबल स्ट्राइक थ्रू है तो आपको उसको डबल टू टाइम्स जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगी, वो लाइन आपकी डिसअपियर्ड हो जाएगी। ठीक, ये हो गया आपके पास, ये हम क्या देखा, आपने फॉन्ट स्टाइल देखा, फॉन्ट साइज देखा, और ये आपने ये देखा कि शॉर्टकट की से फॉन्ट साइज़ कैसे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, आपने बोल्ड देखा, इटैलिक देखा और अंडरलाइन देखा। ठीक है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी यूज़ करेंगे, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई यूज़ करेंगे, और अंडरलाइनिंग के लिए कंट्रोल यू यूज़ करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं आगे, आगे एक ऑप्शन है आपके पास, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक, आपके पास जैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता था, या वाटर का फॉर्मूला है, या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, सही, तो उसमें जो टू होता है आपके पास वो नीचे की तरफ छोटा सा लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप टू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है सबस्क्रिप्ट का। ठीक, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास टू छोटा सा क्रिएट हो जाएगा। ये क्या हो गया, सही, ये आपके पास टू क्या हो गया, छोटा हो गया। सही, तो ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट से हो रहा है। अगर मैं क्लिक करूँगी दोबारा से तो वो हट जाएगा, और अगर उसी को दोबारा सेलेक्ट करके क्लिक करूँगी तो वो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। सही, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है, माउस हटा देती हूँ इसको पहले हटा के, अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करूँगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मैथ्स की इक्वेशंस होती हैं, मैथ की इक्वेशंस होती हैं, जैसे ए प्लस स्मॉल लेना है मुझे, ए प्लस बी। ठीक, ये मैंने लिखा, और इसके ऊपर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से बनाएंगे, तो उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से ये है सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक, सुपर स्क्रिप्ट को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ आए, इसी तरीके से अगर
इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगी तो ये जो है वो वापस से, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। अब नीचे आते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है सर, शायद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, तो मैंने लिखा CO2। ठीक है, तो 2 को मुझे सबस्क्रिप्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, शॉर्टकट की से अगर मैं करूँगी तो क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल। और अगर किसी का स्क्वायर है, जैसे 5 का स्क्वायर है 5 है, ठीक है 5 है, 5 का स्क्वायर मुझे बनाना है। 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 5 5 से 25, ठीक है 25 के इक्वल होता है। अब मुझे ये स्क्वायर करना है, तो इसी को स्क्वायर करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करूँगी मैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, सही ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आगे चीजें देखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये ऑप्शन है आपके पास फॉन्ट कलर का, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फॉन्ट कलर का ऑप्शन हमने क्या किया, हेडिंग को अपने सिलेक्ट किया और फॉन्ट कलर चेंज करना है मुझे। ठीक, अब मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया, ठीक ऑरेंज दे दिया, कोई सा भी कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर मुझे मोर कलर्स चाहिए, आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मोर कलर्स में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास दो दो ऑप्शन होते हैं, एक स्टैंडर्ड, इसमें से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर फिर भी आपको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, जैसे ब्लू है, ठीक है ये यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है लेकिन अभी भी मुझे कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, तो मैं मोर कलर्स में जाके कस्टम में जाके अपनी मर्ज़ी का कलर भी बना सकती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से अब मैं जिस तरह इसको ड्रैग करूँगी उस तरह वो कलर आएगा। देखिए पिंक कलर आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉन्ट कलर्स हो गए। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है ग्रेडियंट का, ठीक है, ग्रेडियंट में आपके पास जो है वो शेडेड स्टाइल आ जाता है, मतलब ये कि आप एक ही हेडिंग में 2-3 कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब मैं ग्रेडियंट में गई, ये तो नो ग्रेडियंट है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें शेडिंग हो गई है, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, अगर इस तरह का है तो देखें ये कैसा आ रहा है, स्टार्टिंग में लाइट और जाते जाते ये थोड़ा सा डार्क हो गया। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, ग्रेडियंट में गई मैं, ठीक मोर ग्रेडियंट्स में जाऊँगी मैं, सही ये खुल गया मेरे पास। ठीक, अब मुझे जो है वो इसमें जो है वो मज़ीद कलर्स डालने, मतलब मुझे सिर्फ जो है वो इस तरह लाइट डार्क नहीं चाहिए, मुझे जो है मल्टी शेड का चाहिए, मल्टी शेड की हेडिंग चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको क्लिक किया, इसको किया, इसको किया, ठीक है इसको किया क्लिक मैंने, और मैंने यहाँ पर कलर डाल दिया, ये जो आपका ये बना हुआ है ना पेंट, इसके अंदर आपने फिलर जो है इससे आपने कलर निकाले और आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने ये कर दिया सेलेक्ट, यहाँ पे गई मैं, यहाँ से मैंने कर दिया ब्लू, सही यहाँ से मैंने कर दिया इसको ब्लू, के बाद कौन सा होना चाहिए डार्क, ठीक है इस तरह कर दिया मैंने, सही पहले मैंने ग्रेडियंट किया, इसको मैंने नो ग्रेडियंट कर दिया, सही
नो। ग्रेडियंट फिल, अब जैसे जैसे आप इसको यूँ करेंगे हिलाते जाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे जैसे जैसे आप इसको, वैसे वैसे आपकी जो है वो ये कलर्स चेंज होते जाएंगे। सही, इस तरीके से। सही, ब्राइटनेस आपको चाहिए -100%, ज़्यादा चाहिए तो ऐसे आ जाएगी। ये मैंने कर दिया नो ग्रेडियंट। अब मैं इसमें गई ग्रेडियंट फिल और मैंने यहाँ से इसको कर दिया चेंज, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया चेंज। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन में जो है वो आपको कलर्स चाहिए, ठीक है। अगर मुझे लीनियर डाउन मतलब इस तरह में चाहिए तो ये यूँ आ जाएंगे, ठीक। कैसे आ जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे वैसे वैसे कलर नीचे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक, ऐसे ऐसे चेंज होंगे। सही, अगर जो है वो डायरेक्शन अगर मैं चेंज करूँ, किस डायरेक्शन में करूँ मैं, ये वाली तो देख ली, ये वाली देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यूं में जाएंगे ऐसे, ठीक है, देखें कलर चेंज हो रहा है, हो रहा है कलर चेंज, ठीक है, ऐसे। ऐसे हो रहा है, सही, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं अप की तरफ जाऊंगी तो ये यूँ हो जाएगा, सही। अगर मैं लीनियर राइट जाऊंगी तो ये यूँ हो जाएंगे, सही, इस तरफ लाइट हो गया उस तरफ डार्क हो गया। अगर मैं लीनियर लेफ्ट की तरफ जाऊंगी तो इस तरफ लाइट हो जाएगा उस तरफ डार्क हो जाएगा, सही। अगर मैं लीनियर डायगनल बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट की तरफ जाऊंगी, बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट, तो ये किस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये, सही। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, या मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा ग्रेडियंट का खेल है। आप इसमें कलर मज़ीद चेंज कर सकते हैं, अगर आपको करना है, आप जो है वो रेड की जगह पे कोई और कलर लेना चाह रहे हैं कोई और ले लें। अगर आप ग्रेडियंट ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे आपने ये लिया, ठीक है, इसमें मज़ीद मुझे जो है वो ऐड करना है कलर, यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कलर ले लिया, लाइक मैंने कलर ले लिया, ब्राउन अच्छा नहीं लगेगा, डार्क ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पे चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक, थीम चेंज हो गई, ये देखिए ये पिंक कलर इसके बीच में से आ रहा है, सही। इसको अगर मैंने इधर से पास कर दिया तो ये कैसा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, हेडिंग इस तरीके से आप बना सकते हैं, सही। आपको ब्लू ऊपर चाहिए, पिंक बीच में हल्का सा चाहिए, और नीचे मरून कलर और जो वो होता है ब्राउन कलर चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से, अगर आपको लाइट पास करनी है ब्लू की तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, सही। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने किस तरीके से किया, ये हमने किया फॉन्ट कलर्स में जाके, ठीक है, ग्रेडियंट्स में जाके, पहले तो हमारे पास नो ग्रेडियंट था, मोर ग्रेडियंट्स में जाके फिर हमारे पास जो है वो पूरा फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट खुल जाएगा, और इसके थ्रू जो है वो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मज़ीद है, मज़ीद क्या चीज़ें हैं इसमें, है
एक ही चीज़ है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ये क्या है? इसके अंदर आप जो है वो इसको मतलब वो कर सकते हैं, जो इसकी आउटलाइन है ना, टेक्स्ट की आउटलाइन को कलर दे सकते हैं। ठीक, जैसे ये देखें चेंज हो गई, ये ब्लू आ गई, ये इस तरह आउटलाइन डार्क हो गई, अंदर जो है वो लाइट कलर आ गया, ये इस तरीके से आ गई। ठीक है, इसमें क्या है, अंदर वाइट है और आउटलाइन कलर चेंज हो गया, इसमें भी आउटलाइन कलर चेंज हो गया, ये इस तरह आ गया आपके पास, इस तरह इस तरह। ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। ठीक, इसमें वाइट आ गया और आहे जो है वो आउटलाइन कलर इसका ऑरेंज आ गया। ठीक, ये सिर्फ आउटलाइन के लिए हैं, अगर आपको आउटलाइन कलर मज़ीद चाहिए तो ये आउटलाइन ऑप्शन में आके आप जो है वो थीम कलर्स में से कोई भी आउटलाइन कलर चूज़ करेंगे तो सिर्फ आपके पास आउटलाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये डिज़ाइंस थे, सही है, इनमें से कोई भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ आउटलाइन कलर चेंज करना है तो आप जो है वो थीम कलर्स में आके इसमें से कोई भी आउटलाइन कलर आप सेलेक्ट कर लें। ब्लैक लेंगे तो इस तरह दिखेगा, ग्रीन लेंगे तो इस तरह दिखेगा, स्काई ब्लू लेंगे तो इस तरह दिखेगा, ठीक है, वाइट लेंगे तो ऐसा दिखेगा, ग्रे लेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, इसमें से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आउटलाइन आपको नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन पे क्लिक करें तो नो आउटलाइन आ जाएगी आपके पास, और अगर आपको मोर आउटलाइन कलर्स चाहिए तो आप इधर आके यहाँ से आप उसी तरह आपके पास वो वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा कलर्स वाला, जिसमें आप कलर बना भी सकते हैं और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइंस में और कौन सा ऑप्शन था, वेट का ऑप्शन है, जिसमें आपकी आउटलाइन जो है वो मतलब बारीक होगी मोटी होगी, हर तरह की आउटलाइन आपके पास मौजूद है। ये देखें मैंने 4.5 जो है वो लिया है, तो वो ये कितना मोटा सा आ रहा है, अजीब सा, और कलर भी ब्लैक है तो इसलिए ज़्यादा अजीब सा आ रहा है। अगर मैं कलर इसका सेलेक्ट करूँ ब्राउन, ठीक है ये वाला, तो इसमें कैसा आएगा? अगर मैं इसकी वो वेट बढ़ा दूँ, इसकी मतलब वेट बढ़ा दूँ, तो ये देखें कैसा हो जाएगा, अंदर का कलर जो है वो उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया जैसे, और बाहर का कलर जो है वो उतना ही प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक, अगर आपको हल्की सी आउटलाइन चाहिए तो आप ये वाला कलर यूज़ कर लें, ये वाला वेट यूज़ कर लें, हाफ पीटी का। ठीक है, ऐसे नो आउटलाइन यूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा इसमें शेडो है, शेडो क्या होता है, शेडो जो मतलब शेड बनेगा इसके अंदर। ठीक है, कोई भी अगर आप शेडो यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसका शेड क्रिएट हो जाएगा। ये इनर है, ये आउटर शेड है, ये इनर शेड है, ये पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव मतलब आगे पीछे नीचे, जिस तरह शेड क्रिएट होगा इस तरीके से। ये देखें, ये नीचे आपके जो है वो पूरा शेड क्रिएट हो रहा है, ये देखें ये बन रहा है, ये वीडियो का शेड ये आ रहा है, वीडियो एंड ऑडियो इस तरह इसका शेड क्रिएट हो रहा है, सही, ये शेडो आ गया। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन कैसे आएगी, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो ये इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको सभी रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये वाला देखें, सही, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, मिरर जिस तरह मिरर होता है ना, मिरर में जिस तरीके से दिखता है इस तरह दिखेगा रिफ्लेक्शन। ग्लो का ऑप्शन क्या है, ग्लो के ऑप्शन में आपके जो है वो ग्लो मतलब जो आपकी जो हेडिंग है, जो भी टेक्स्ट है वो ग्लो करेगा। ठीक है, जैसे ये है, अब देखें ये ऑरेंज ऑरेंज सी जो लाइन उसमें आ रही है ना, यहाँ पे देखें, तो मैं ये सेलेक्ट करूँ तो इसके पूरे टेक्स्ट के आगे पीछे क्या ऑरेंज कलर का ग्लो सा आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लो है आपके पास, ये इसमें स्काई ब्लू आ रहा है, इसमें येलो कलर आ रहा है, इसमें देखें इसमें येलो था और इसमें स्काई ब्लू कलर आ रहा है, अच्छा प्रोमिनेंट हो रहा है, इसमें ग्रीन आ रहा है, ग्रीन जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा और प्रोमिनेंट हो गया, इसमें थोड़ा और प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, ये देखें इसमें मज़ीद प्रोमिनेंट हो गया, इसमें कम है मतलब बिल्कुल लाइट सा ग्लो है, और इसके अंदर ये देखें मज़ीद प्रोमिनेंट हो गया, ये देखें। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, सही, तो ये हो गया, ग्लो आ गया, इसमें रिफ्लेक्शन आ गई, शेडो आ गया, आउटलाइन आ गई, और अगर इसमें से आप कोई
सजावट कोई करना चाहते हैं अपनी हेडिंग में, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गए। अब इसमें दो तीन ऑप्शन मज़ीद बचे हैं इस वाले ग्रुप में। एक ऑप्शन ये है कि आपने कोई भी जो है वो हाईलाइट करना है किसी भी चीज़ को। ठीक है, जैसे हम लोग बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई भी जो है वो हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसको हम हाईलाइटर बकायदा मिलते हैं मार्केट से, तो ब्लू सॉरी ग्रीन कलर का और येलो कलर का जो हाईलाइटर होता है उसके ज़रिए हम उसको क्या कर देते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करते जाते हैं ताकि हमें बाद के लिए याद रहे कि हाँ जी ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी और हमने इसको हाईलाइट किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वर्ड में भी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी टेक्स्ट को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ जो है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, थीम्स एंड स्टाइल्स, ठीक मैंने इसको हाईलाइट करना है, मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब इसकी जो है ना ये इसमें ये है कि जब हम इसको हाईलाइट करते हैं तो उसका जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था सिलेक्शन हट जाती है। ठीक है, अब मैं इसमें से मज़ीद कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये ही इसके कलर हैं। ब्लैक कलर से हाईलाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अगर वाइट टेक्स्ट होगा तो चलें फ़ायदा है अगर टेक्स्ट को वाइट कर लें। ये ग्रे कलर से हाईलाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाईलाइटिंग जो है वो किसी जो है वो प्रोमिनेंट कलर से करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, जैसे पिंक है, ग्रीन है, ग्रीन से ज़्यादातर हाईलाइटिंग होती है। ठीक, तो मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, सही। तो ये हाईलाइटिंग का जो काम है वो यही है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको आप जो है वो इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, सही। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये वाला ऑप्शन रह गया है चेंज केस। चेंज केस का जो ऑप्शन है इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 पांच केसेस आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, एक सेंटेंस केस है, एक लोअर केस है, एक अपर केस है, एक कैपिटलाइज ईच वर्ड है और एक टॉगल केस है। ठीक, सेंटेंस केस क्या होता है? सेंटेंस केस तो सिंपल वही केस होता है जिसमें जो है वो आपका फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल होंगे। ठीक, लोअर केस क्या होगा? सारे के सारे आपके स्मॉल केसेस होंगे। अपर केस क्या होगा? सब जैसे सेंटेंस में जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे क्या होंगे? अपर केस में होंगे, मतलब कैपिटलाइज होंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है? हर वर्ड का जो है वो हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटलाइज होगा इसके अंदर। और टोगल केस में क्या होता है कि अगर आपने स्मॉल केस में दिया हुआ है तो वो हो जाएगा स्मॉल केस में है तो वो कैपिटल केस में हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा, और अगर अपर केस में है तो वो स्मॉल केस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को हम जो है ना वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर लिखा वीडियो। ठीक, अब वीडियो तो ये तो सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। ठीक, अगर मैं इसको स्मॉल केस में कर दूं लोअर केस में, देखें नज़र आ रहा है आपको? फोन साइज़ में इसका बढ़ा लेती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, सही। तो ये सब किस में आ गया? स्मॉल केस में आ गया, सही। अगर मैं इसको अपर केस में कर दूं तो ये सारे के सारे इसके करेक्टर्स अपर केस में आ जाएंगे, सही। अगर मैं इसको सेंटेंस केस में करूँगी अभी तो इसके हर वीडियो हर जो वो है पहला जो कैरेक्टर है सेंटेंस का वो आ जाएगा अपर केस में, वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, मैंने लिख दिया। सारे के सारे अपर केस में आ जाएंगे, सही। फॉन्ट साइज मज़ीद छोटा कर लेते हैं, अच्छा। कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँगी तो ये हो जाएगा कि हर वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल होगा और बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल होंगे। ठीक है, अगर टोगल केस करेंगे हम तो इसमें जो जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाएगा और जो जो स्मॉल था वो सब क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड भी देख लिया, अपर केस भी देख लिया, लोअर केस भी देख लिया
और सेंटेंस के स्पीड या, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब लास्ट लास्ट थिंग जो है वो ये है, लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है टेक्स्ट के ऊपर उनको अगर आपने फॉर्मेट करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है, ठीक है, तो वो एक ही ऑप्शन से हो जाएगा आपके पास। जैसे ये है, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, इसको मैं इटैलिक भी कर देती हूँ, और इसको मैं कोई एक कलर दे देती हूँ टेक्स्ट को, ठीक है, मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया, ठीक। अगर यही सारी, अब मैं इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ठीक है, इसका मैं फॉन्ट को भी चेंज कर देती हूँ, ठीक है, टाइम्स रोमन में कर देती हूँ इसको, सही। अब मुझे जो है वो ये सारी की सारी जो है ना फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तो मैं एक ये क्लिक करूँगी, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ हाईलाइट हुआ हुआ है, जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉर्मेटिंग को मैं अगर क्लियर करूँगी, हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने इसको, और मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है, इटैलिक भी किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है, और मैंने इसका फॉन्ट साइज़ भी कुछ बढ़ाया हुआ है, कलर भी मैंने इसको दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने कलर ब्लू दिया हुआ है, ठीक है, तो जब मैं ये करूँगी तो मेरे पास सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हाईलाइटिंग जो है वो क्लियर नहीं होगी, वो यहीं से ही आपके पास होगी, ठीक। बाकी सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा आपके पास, जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है वो सब क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर आपने हाईलाइट किया हुआ है तो वो हाईलाइटिंग आपके पास इसी ऑप्शन से जाके क्लियर होगी, सही सही। ऐसे आप इसको मज़ीद जो है वो अगर आपको इस तरह करना है, एक साथ दो तीन चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, तो आप डबल क्लिक करें और हाईलाइट कर लें इस तरीके से, ठीक है। इसको हाईलाइट करना है मैंने, ऑफ को, ऑन को, ठीक है, तो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, सही। अच्छा जी, ये हो गया। अब मज़ीद आप ऑप्शंस आपने देखने हैं, तो आप उसी तरीके से फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाएं। अब फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में दो चीज़ें, दो ऑप्शन हैं हमारे पास, एक फॉन्ट का है और एक एडवांस का है, ठीक है। फॉन्ट में तो आपके पास ये फॉन्ट स्टाइल आ जाता है, ये फॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है, ठीक। रेगुलर तो वो सिंपल हो गया, इटैलिक में थोड़ा सा जो टेढ़ा होता है वो हो गया, और बोल्ड में क्या हो गया, बोल्ड हो गया सिंपल, और बोल्ड इटैलिक में क्या होगा, दोनों हो जाएंगे, सही। ये फॉन्ट साइज़ आ गया आपके पास, और ये फॉन्ट के जो है वो जो स्टाइल वो जो चेंज करना है, वो फॉन्ट की स्टाइलिंग जो चेंज करनी है ना, बॉडी हेडिंग वगैरह वो सारी इधर आ जाती है, ठीक। बाकी ये फॉन्ट कलर आ गया, अंडरलाइन स्टाइल आ गया, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया, सुपर स्क्रिप्ट बताया, सब स्क्रिप्ट बताया है। अच्छा एक ये चीज़ है स्मॉल के, स्मॉल कैप्स ना, तो उसको देखते हैं स्मॉल कैप्स कैसे करते हैं। अगर मेरे पास ये है, ठीक है, वीडियो एंड ऑडियो वाले जो है वो हेडिंग है, इसको मैंने करना है स्मॉल कैप्स ना, तो मैं यहाँ पे जाके इसको चेक करूँगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि वीडियो का वी और एंड का ए और ई, ठीक है, ये कैप्स में मतलब कैपिटल में आ जाएंगे लेटर्स में, और नीचे वाले आएंगे कैपिटल लेटर्स में, लेकिन वो उनका केस, उनकी जो वो चीज़ है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें वीडियो बड़ा हो गया, और इसका ये सारा जो है वो ये नीचे चेंज हो गया। इसमें आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा, मैं इसमें इस वाले पर करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इसमें से वी बड़ा होगा और बाकी सारे जो हैं वो आपके पास स्मॉल मतलब हैं अपर केस में, लेकिन लग वो स्मॉल केसेस में रहे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये सारे हैं अपर केसेस में लेकिन लग स्मॉल केस में रहे, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज़ और है आपके पास यहाँ पर हिडन का, ठीक है, ऑल कैप्स तो आपको पता है सारे कैप्स में आ जाएंगे, ठीक, सारे के सारे अपर केसेस में आ जाएंगे, सही। हिडन का ऑप्शन है अगर कोई चीज़ आपको हाइड करनी है, ठीक है, लेकिन वो डिलीट नहीं होगी, वो हाइड हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट में से, ठीक। कोई भी अगर आपको चीज़ हाइड करनी है तो उसको हिडन का ऑप्शन है, आप वो करेंगे, ओके करेंगे, अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा सेंटेंस आपके पास हाइड हो गया, ठीक है, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। अगर आपको दोबारा से शो करना है, आप वापस से जाएंगे, देखें यहाँ पर ऑप्शन पर आपके पास चेक का साइन नहीं आ रहा, जबकि मैंने लगाया था चेक, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इसको क्रॉस करें, सेलेक्ट ऑल करें, मतलब कंट्रोल ए,
वापस से आप अपने डायलॉग बॉक्स में जाएं, कंट्रोल डी, अब ये देखें जो जो चीज़ें आपके पास हुई हुई फॉर्मेटिंग की वो सब आपके पास आ गई। हिडन हुआ हुआ था, हिडन पे अनचेक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। सही, अभी आपके पास वापस आ गया, ठीक है। कंट्रोल ए पहले आपने प्रेस करना है, उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपके पास वो ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आपने चेक करना है फिर अनचेक करना है, ठीक है। तो जो आपने हाइड किया होगा वो आपके पास वापस से शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये था, इसको मैंने हाइड किया था, अब मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखा दूँ, हिडन किया तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसे शो करना है तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगी, फिर कंट्रोल डी, मतलब डायलॉग बॉक्स खोलना है मुझे तो कंट्रोल डी प्रेस करूँगी, फिर मैंने हिडन पे क्लिक किया तो ये चेक हो गया, ठीक है। लेकिन इसे मुझे अनचेक करना है ताकि मेरे पास जो हिडन हाइड हुआ हुआ टेक्स्ट है वो शो हो जाए, ठीक। मैं इसको शो कर, ठीक है, ओके कर दिया तो ये शो हो गया, सही। इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, ये वाले ऑप्शन सारे हो गए। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, स्टेटस डिफ़ॉल्ट क्या है। स्टेटस डिफ़ॉल्ट में आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इस पर आपने फॉर्मेटिंग करी कुछ भी, इसको मैंने बढ़ा दिया ना साइज़ इसका, ठीक है। साइज़ मैंने इसका 20 कर दिया और मैंने इसको इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, फ़ॉन्ट कलर दे दिया मैंने इसको, कौन सा कलर, ब्राउन नहीं, ब्लू दे देते हैं, ठीक है, ब्लू कलर दे दिया मैंने इसको, ठीक है। चल ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, अब अगर मैं इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ, ठीक है, सेट एज डिफ़ॉल्ट मैं नहीं कर रही, खुद नहीं कर रही मैं, अगर हम ये बटन प्रेस कर देते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो जब भी हम एमएस ऑफिस की विंडो अपनी खोलेंगे तो हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट में ये सेटिंग हुई भी आएगी, मतलब जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारे पास फॉन्ट साइज 20 आएगा और जो मैंने फॉन्ट स्टाइल रखा है वो कैलिबरी आएगा और मैंने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया हुआ है वो आएगा और कलर ब्लू आएगा, ठीक है। तो सेट एज डिफ़ॉल्ट का जो पर्पस है वो ये है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को मतलब ये कि आपने अपनी विंडो पे जो एमएस पर जो एमएस वर्ड पर जो आपने अपनी सेटिंग्स रखनी है, ठीक है, वो आपने अगर डिफ़ॉल्ट कर दी तो जब भी आप खोलेंगे तो उसी सेटिंग से आपके पास जो है वो हुआ हुआ आएगा पहले से, ठीक। अगर मैं इसको अपना फॉन्ट साइज़ जो है वो 11 रख दूँ और जो है वो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह ये सब हटा दूँ, फॉर्मेटिंग सारी क्लियर कर दूँ और फिर उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दूँ, तो फिर जो है मेरे पास उसी तरह ही जो है वो आएगा जब भी मैं एमएस ऑफिस खोलूँगी, ठीक। तो मैं इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं करना, सही, आपको करना हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक। तो ये फॉन्ट का जो है पूरा ग्रुप है ये यहीं पर जो है वो हो गया ख़त्म, इतना ही था, मज़ीद एक्सप्लोर कर लीजिएगा आप इसमें, मज़ीद अगर कुछ आपको लगे तो देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो है वो जो भी ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया हमारा, अब जो है वो हम क्लिपबोर्ड की तरफ चलते हैं पहले, ठीक है, क्लिपबोर्ड को देखते हैं हम क्लिपबोर्ड में क्या करना है। क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंट, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट तो आपको समझ आ रहा है, कट का मतलब क्या है, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और अगर आप कट प्रेस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक, ख़त्म। अगर आपको यही चीज़ वापस लानी है आप पेस्ट कर देंगे तो ये वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है, ठीक, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, सही, इसको मैंने कॉपी कर लिया तो ये कॉपी हो जाएगा, इसको मैंने पेस्ट करना है, नीचे पेस्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकती हूँ, ठीक, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है, तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अच्छा इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या है, कंट्रोल एक्स से हमारे पास कट हो जाएगा, ठीक है, कट करना है, कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस किया ये कट हो गया, कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया ये पेस्ट हो गया, और अगर मुझे कॉपी करना है
तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होके पेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि पता चले कि कॉपी हुआ या नहीं। तो मैं कंट्रोल वी करूँगी तो ये मेरे पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं तो ये वापस से अनडू हो जाएगा। सही। अच्छा, पेस्ट के ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, चार पांच ऑप्शन, चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फोर ऑप्शंस हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपने जहाँ से भी कॉपी किया है वही फॉर्मेटिंग आपने रखनी है। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो यहाँ से इसको कट करती हूँ, पहले कट कर दिया मैंने, और मैंने जो है वो इसको मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। ठीक है, अब मैं प्रेस करूँगी और मैं अगर ये करती हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है, और मैं जो हूँ वो यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगी, तो ये क्या होगा, जो फॉर्मेटिंग ऊपर हुई भी है एज इट इज़ वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो है इसको यहाँ पर ये करूँ कीप टेक्स्ट ओनली, ठीक है, अगर मैं कीप टेक्स्ट ओनली करूँगी तो जो टेक्स्ट होगा ना वो आएगा, उसका जो फॉर्मेट होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, तो इटैलिक किया हुआ है, वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, सिंपल जो है वो आपका टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। सही, नीचे आ जाते हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग। ठीक है, मर्ज फॉर्मेटिंग अगर मैं करूँगी तो इसमें क्या है, मर्ज फॉर्मेटिंग मैंने किया तो इसके अंदर क्या हुआ, कलर वगैरह आपका सब चला गया, जो आपने वो किया हुआ था फॉन्ट साइज़ बढ़ाया हुआ था वो चला गया, फॉन्ट स्टाइल चला गया, सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, बोल्ड आ रहा है और इटैलिक आ रहा है और अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, ये देखें, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आ रहा है, बाकी आपका जो ये इसका जो फॉन्ट था वो वाला फॉन्ट साइज़ इसमें आ गया, मर्ज हो गया, ये फॉर्मेट इसका इसमें मर्ज हो गया। ठीक है, इसका जो फॉन्ट साइज़ था वो इसमें आ गया, इसका जो फॉन्ट स्टाइल था वो इसमें आ गया, इसका जो फॉन्ट कलर था वो इसमें आ गया। ठीक है, बाकी जो है वो एज इट इज़ रहा। ठीक है, ये हो गया पेस्ट के ऑप्शंस। अब फॉर्मेट पेंटर देख लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। अगर आप बैक स्पेस से भी कर सकते हैं और डिलीट से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सही, चलो अब मैं यहाँ पर कुछ लिख लेती हूँ ताकि आपको फॉर्मेट पेंटर का पर्पस समझ में आ जाए। सही, अब मैंने ये लिखा, मैंने वीडियो इसको साइज में छोटा कर लेती हूँ उसका, ताकि एक ही पेज पे आ जाए, ताकि समझने में आसान हो। ठीक है, फॉन्ट साइज छोटा हो गया। अब ये तीन ऑप्शन आ गए हमारे पास, वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, अब वीडियो को मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देती हूँ। सही, वीडियो को मैंने दे दिया स्टाइल चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज है, फॉन्ट इसका बल्कि मैं थोड़ा और चेंज कर देती हूँ, तो अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं इसमें से, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ओहो ये कैसा आ गया जिप्सम, चलें खैर कुछ नहीं, कलर चेंज कर लिया, कलर मैंने रेड कर दिया इसका। ठीक है, अब मुझे यही वाली फॉर्मेटिंग जो है वो इसको भी देनी है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, यही वाली फॉर्मेटिंग जो है मुझे इसको भी देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट पेंटर मैं इसको क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूँगी, जैसे ही ड्रैग करूँगी तो जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर हुई हुई है वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी हो जाएगी। सही, अगर मुझे ये हटाना है तो मैं इसको ऐसे कर लूँ। सही है, मेरे पास डबल अलाइन आ रही है, मुझे सिंगल चाहिए। ठीक है, तो ये सिंगल आ जाएगी।
अगर मुझे अब यही ये वाला जो है वो मुझे फॉर्मेट इसके लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ ड्रैग कर दूँगी, तो ये मेरे पास वही वाला फॉर्मेट इस पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ये वाला फॉर्मेट वापस से इस पर चाहिए, तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे ड्रैग कर दूँगी, तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का क्या मकसद है, फॉर्मेट पेंटर का पर्पज़ ये है कि आपको अगर कहीं जो कोई फॉर्मेटिंग आपने एक जगह की हुई है, मतलब एक हेडिंग आपने बना दी है और वही फॉर्मेटिंग आपको हर हेडिंग पे चाहिए, तो आपको ये नहीं है कि आपको जो है वो अलग अलग जाके आपको इंडिविजुअली जाके हर हेडिंग की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हुए एक एक आपने फॉर्मेट बना लिया, उसको आप हर हेडिंग पर अप्लाई कर दें, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब इसकी मैं हेड इसका मैं ज़रा फॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगी, अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला लिया था ना, अच्छा नहीं लग रहा। चलो मैंने ये ले लिया। ठीक है, सही, अब ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे इन दोनों पे चाहिए और कहीं पे भी चाहिए। ठीक है, एक साथ अगर आपको दो तीन जगह पे चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है फॉर्मेट पेंटर पे, आप डबल क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, बस आप करते जाएंगे फॉर्मेटिंग, जहाँ पे भी आपको करनी है आप वहाँ करें। ये आपका ये देखें, ठीक है, ये किया आपने सही, यहाँ पे चाहिए आपको, आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया, फॉन्ट स्टाइल भी बढ़ गया, और क्या हुआ, कलर भी चेंज हो गया और वो सब हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्लिपबोर्ड के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है ऑप्शन, क्लिपबोर्ड के अंदर जो ये जो क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप ओपन कर दें तो आपके पास जो है ना क्लिपबोर्ड खुल जाता है, जिसके अंदर आपकी चीज़ें कॉपी हो के जो है ना उसके अंदर जाती रहती हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, मैंने पूरा कॉपी किया था, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ रहा है मज़ीद। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये डिलीट हो जाएगा, क्लियर ऑल कर दूँगी तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं जो वो इसको कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी किया तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ तो कंट्रोल सी किया, इधर आ गया। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आते जाएंगे, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, तो क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास जो भी आप कॉपी करते हैं ना वो सारा कुछ आपके पास यहाँ आता रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको कट करूँगी, अगर मैंने इसको कट कर दिया कंट्रोल एक्स, ठीक है, तो कंट्रोल एक्स का मतलब भी यही होता है कि वो आपके पास कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो जाएगा, और अगर आपको उसको वापस से पेस्ट करना है तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल बी किया, पेस्ट हो गया। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास वो चीज़ें आती जाती हैं जो आप कॉपी करते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लियर करना है, पेस्ट ऑल करना है, तो आप पेस्ट ऑल कर दें तो ये सब का सब एक साथ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास पेस्ट, ये वाला सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, क्लियर ऑल करना है, आप क्लियर ऑल कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा, क्रॉस कर दें इसको। ठीक है, चलिए जी, क्लिपबोर्ड का आपका जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हमने देख लिया, फॉर्मेट पेंटर भी हमने देख लिया। फॉर्मेट पेंटर का बहुत जब मतलब अच्छा एडवांटेज है इसके, इसके बेनिफिट अच्छा है इसका। ठीक है, इसके थ्रू जो है वो हम फॉर्मेटिंग इजीली और कम टाइम में कर सकते हैं। अब हर हर हेडिंग पे जाके जो है वो हमें जो फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके थ्रू फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू जो है वो हम जाके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो इनको एक्सप्लोर करेंगे, पैराग्राफ को, स्टाइल को और एडिटिंग को, और फिर जैसे ही हमारी लैब वन ख़त्म होगी तो फिर हम एक असाइनमेंट जो है वो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जो कि आपको बनाना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।